राज्य में भाषा विवाद समाप्त करने और भोजपुरी, मगही, अंगिका सहित अन्य को मान्यता देने की मांग को लेकर अखिल भारतीय भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका मंच की ओर से आहूत रविवार को झारखंड बंद का असर राजधानी रांची में नहीं दिखा। वहीं दूसरी ओर रांची की सड़कों पर किसी तरह का कोई असर नहीं दिखा। यहाँ सामान्य दिनों की तरह बाजार लगा दिखा। लोगों की आवाजाही भी समान रही। बंद को सफल बनाने के लिए समर्थकों के साथ सड़क पर उतरे मंच के संयोजक कैलाश यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तारी के बाद बंद को सफल बनाते हुए कैलाश यादव ने कहा कि भाषाओं को क्षेत्रीय सूची से हटाना गैर संवैधानिक है और इसका विरोध जारी रहेगा। बंद समर्थकों को अभी कोतवाली थाना में रखा गया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।